राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे आप बीएड की जो आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है उनके बारे में, आपकी एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, ना ही आपकी लिस्ट आई है। पहले लिस्ट आपकी 17 तारीख को आनी थी, फिर 19 को बढ़ाई गई थी, और उसके बाद अब आपकी जो डेट है बीएड की मेरिट लिस्ट की वो आगे बढ़ा दी गई है। वो आगे आपकी इसलिए बढ़ाई गई थी क्योंकि पहले आपकी 10 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अभी आपको 15 नवंबर तक फॉर्म भरवाई गई थी। सो आपकी जो अभी पहली मेरिट लिस्ट है वो आपकी आएगी 22 तारीख को, ठीक है। उससे पहले मैं आपको आज बता दूं कि आज एक मेल आया जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड के लिए अप्लाई किया है कि आपको जो पेंडिंग फीस है वो आपको सबमिट करवानी है। वो आज का ही तारीख आपकी की 20 तारीख तक आपको पेंडिंग फीस है वो सबमिट करवानी। सो आप जिसके पास वो मेल आई है वो अपने स्टूडेंट आईडी को लॉगिन करके जहाँ से आपने फॉर्म भरवाया वहाँ से आप अपनी फीस है वो भरवा सकते हो। उसके बाद बता दूं कि आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो आपकी 22 तारीख को आएगी, ऑनलाइन आपकी वो लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट जिनका भी 22 तारीख वाली लिस्ट में नाम आएगा वो आपकी शाम तक लगेगी, ठीक है। वो इसका वेट मत करना, आपकी दिन में सुबह लगेगी 10 बजे 11 बजे, शाम को 7 या 8 बजे तक आपकी जो लिस्ट है वो लग जाएगी 22 तारीख को। 23 और 24 दो दिन है आपके पास, आपको जहाँ आपका नाम आया वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवानी है और आपको फीस सबमिट करवानी है। ये काम आपके ऑफलाइन होंगे और आपको खुद जाना पड़ेगा इसके लिए। आप इस वेट में मत रहना कि कॉलेज या कॉलेज से कोई मैसेज आएगा या यूनिवर्सिटी से कोई मैसेज आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको फीस भी वहीं जाके पे करनी है और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो वहां पे जाके ऑफलाइन ही सबमिट करवाने हैं और उनकी वेरिफिकेशन करवानी है। बाद में आपकी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। उसके बाद आपकी जो ओपन काउंसलिंग होगी, जो सीटें बच जाएंगी उनके ऊपर आपकी ओपन काउंसलिंग करवाई जाएगी। आपकी ओपन काउंसलिंग 29 तारीख को ऑफलाइन करवाई जाएगी। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है अगर वहां पर सीट वैकेंट है पता करके वहां पर चले जाना, वहां पर जाके आपको ओपन काउंसलिंग के लिए मतलब एक स्लिप देंगे, वहां आपको फॉर्म भरना, उसके बाद लिस्ट वगैरह लगेगी, मेरिट बेस पे आपकी ओपन काउंसलिंग करवाई जाएगी। उसमें जिसका नाम आएगा उसको उसी दिन आपका एडमिशन हो जाए। ओपन काउंसलिंग के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है, आपका अगर फॉर्म ही नहीं भर पाए आप लेट हो गए थे, सो आपको 17 दिसंबर तक वेट करना है। 17 दिसंबर को आपको जिस काउंसलिंग होगी उसमें जिसने फॉर्म नहीं भरा अगर आपकी सीट बची है तो आप एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे आपको मेनली मैं बता दूं कि आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, उसमें आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो क्योंकि वहाँ पर सीट खाली रहती है फीस ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि वहाँ की फीस 44,000 रुपये होती है पर ईयर की, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है एडमिशन लेने का बीएड में, या फिर आप बीएड स्पेशल में भी एडमिशन ले सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आपकी जो क्लासेज वगैरह वो पूरा का पूरा शेड्यूल आपका बाद में आएगा, पहले आपके सभी के एडमिशन कन्फर्म होंगे, वो आपका दिसंबर के एंड तक आपकी क्लासेज वगैरह लग जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही था, बीएड के बारे में पूरी प्रोसेस बता दी, आपकी लिस्ट किस तारीख को लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, ओपन काउंसलिंग वगैरह के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, हमारी आईडी भी है, ठीक है, आपको साइड में दिख रही होगी, इनको आप जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका बीएड से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देंगे। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।